अभी जा रहे हैं कहाँ पे, गाड़ी लेने। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अरे चलिए ना। हेलो हेलो, थोड़ा तेल भर लेते हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं। बैड लक। अरे चलिए आ जाओ बेटा। हाय फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। आशा करते हो आप लोग अच्छे हो और स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग पर। अभी जा रहे हैं कहाँ पे, गाड़ी लेने। हमारा बाइक जो है रखे हैं यहाँ पे छाव पे। तेज़ धूप है और कहीं पे भी छाव नहीं है, तो इसलिए पेड़ के नीचे रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ठंडा हवा भी चल रहा है और मतलब छाव भी अच्छा है। क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। एक घर बना लो यहाँ पे। यहाँ पे घर, एक काम करो, ये तो घर है बना हुआ। जाओ अंदर जाओ, सो जाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम एक काम करो, क्या कहते हैं उसको, एक गद्दी लाओ। आ गया सीले, देखो कैसे दौड़ के आ रहा है। अभी जा रहे हैं सुब्रा की स्टूडियो पर, क्योंकि वहाँ पे कलर ख़त्म हो चुका है, मतलब जो कलर का काम वो ख़त्म हो गया है। अभी चल रहा है थोड़ा बहुत डेकोरेटिंग के काम, तो वही देखने जा रहे हैं कहाँ तक काम हुआ है, क्योंकि इस वीक के अंदर ही काम ख़त्म करवाना है, क्योंकि हम जाने वाले हैं अगले वीक पे सिक्किम, और उससे पहले क्लास भी है, एग्ज़ाम भी है स्टूडेंटों का, तो उससे पहले ही मतलब स्टूडियो का काम ख़त्म हो, वही चाहते हैं ना। अच्छा, जो वहाँ पे जो तालाब है, हम वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। वो तालाब का पानी अच्छा नहीं है भाई, स्विमिंग के लिए नहीं है, मतलब कपड़े धोने के लिए सही है, स्विमिंग के लिए अच्छा नहीं है। उल्टा हो गया, क्या है, हम लोग जाते, तुम खेलो यहाँ पे, छाव पे रहना। अरे छोड़ो, जूता छोड़ो। तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टूडियो जाके मतलब फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि आज काम नहीं हो रहा है। तो चाबी जो है वो मिस्त्री दादाओं के पास ही है, तो गए, काम नहीं चल रहा है, तो फिर तुरंत लौट आए, क्योंकि अभी फिर खाना बनाना है, खाना है, और बहुत जी कर रहा है, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। कहाँ जाए मतलब सोच में नहीं आ रहा है, दिमाग तो यहाँ वहाँ इस तरफ उस तरफ मतलब घूम रहा है कि यहाँ जाए वहाँ जाए, लेकिन जाएंगे कहाँ, बहुत ही मतलब सोचने वाला चीज़ है। तो देखते हैं अभी खाना वाना खा के फिर दिमाग खुलता है कि नहीं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। तो मैडम जी बनाइए थोड़ा बहुत खाना, फिर जाते। अरे ओ मैडम जी, अरे चलिए ना। हेलो हेलो, चलिए जा रही हूँ, मतलब जाना है कि नहीं जाना है। हाँ जा रही हूँ, चलो। कहाँ जाना है पता है, कहाँ जाना है, है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाना है। अब तुम कुछ डिसाइड करो ना कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। चलो ना बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा, मतलब लगता है यहाँ पे भी एक माचा बना लेते और। अरे क्या हुआ रे बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बेटी खेल रही हो, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ खेलो जाओ खेलो। तो आज थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग ही कर लेते हैं। अब जाएंगे दाएं तरफ से, क्योंकि इस तरफ भी हमारा एक मेन रोड आता है, मतलब बाएं तरफ से भी एक मेन रोड आता है, और दाएं तरफ जो जा रहे हैं ना इस तरफ भी एक मेन रोड आ जाएगा। यहाँ पर नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर है नज़ारा यहाँ पे। और ये है हमारा आश्रम, श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव की ही ये आश्रम है, और यहाँ पे माँ काली का एक मंदिर भी है, और सामने बाएं तरफ है शमशान घाट, और दाएं तरफ वो खाल की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। चलो थोड़ा बहुत आगे जाते हैं। बात यह है कि मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि 4:30 बज चुका है। चलो एक काम करते हैं, मंदिर अगर खुला होगा तो मंदिर ही घूम आते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि नज़दीक में सबसे अच्छा जगह वही है। कुछ साल पहले यहाँ पे बना है ये ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मदत्त धाम। ये टर्न बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि सामने मतलब उस तरफ कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, और यहाँ पर बहुत बार मतलब छोटा मोटा एक्सीडेंट तो हुआ ही है। थोड़ा तेल भर लेते हैं। हाँ तेल है। मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं, बहुत ही नज़दीक आ गए हम। अभी जाएंगे इस रोड से, थोड़ा आगे जाके फिर एक मेन रोड आएगा, वहाँ से दाएं तरफ जाएंगे, फिर बाएं तरफ आएगा वो मंदिर।
अच्छा यहाँ पे भी मेला चल रहा है, ऐसे ही घुस जाएंगे हम लोग। अच्छा इस तरफ से नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे स्टोन चिप रखा हुआ है तो हाँ है, इस तरफ से जाएंगे। चलो देखते हैं खुला है कि नहीं। और मास्क भी नहीं लाए हो, क्या पहन के जाओगी तुम? हेलमेट पहन के ही जाओगी, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत जगह है सामने, देखो यहाँ पे गाड़ी रखते हैं, ठीक है? हाँ यहाँ पे छाव पे रखेंगे ना। चलो सबको एक बार दिखा देते हैं पूरा मंदिर का जो मतलब एरिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और अभी भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी तरह से नहीं बना है मंदिर। तो चले अंदर जाते हैं, डिक्की में डाल देना। ठीक है डाल देते, चाबी निकालो मेरे पॉकेट से। लगा है? हाँ मुझे आ गया, कैसे लगाना है? मुझे मार्क्स, तुम ये वाला मार्क्स लो। हाँ कैसे बोल रहे हो, अच्छा है मार्क्स, बहुत अच्छा है क्या? और भी मार्क्स है एक, ये लो। हाँ मिल गया मिल गया, वो वाला ले लो तुम, मुझे काला वाला, मुझे वो वाला मेरा वाला दे दो। अरे मेरा वाला दे दो ना, अरे सब अच्छा लग रहा है तो तुम्हें अच्छा। अरे दे दो ना मेरा वाला, ये पहनना नहीं, ये मुझे नहीं पहनना, ये बहुत बड़ा है। तो मुझे तो मुझे टूट गया इसका अंदर जो तार है ना, बहुत। ठीक है एक काम करो, रुमाल रख दो और जो भी देना है मुझे दे दो। ठीक है काम चल रहा है, देखो ऊपर ही दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया है अंदर। अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बाएं तरफ बोले है ना, अभी बन रहा है काम चल रहा है। हाँ यहाँ पे बैठने का जगह है, बैठो ये, इस तरफ भी बहुत जगह है, यहाँ से दिख रहा है मंदिर कुछ इस तरह। अच्छा लग रहा है बैठने में, बहुत तेज हवा है और नज़ारा सामने भी अच्छा है और चारों ओर मतलब अच्छा है नज़ारा। ये जो मंदिर बना हुआ है ना, बहुत जगह लेके बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब इतना बड़ा एरिया लेके बना है कि अगर जो बन रहा है ना, जैसे बन रहा है ना, तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा मंदिर है ना, पता नहीं मुझे शायद होगा। अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ भी सारे काम चल रहे हैं, मतलब दिखा दो आप लोगों, इस तरफ बाएँ तरफ काम चल रहा है। तो अब बाहर जाएंगे, बाहर जाके वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ होता है, मतलब वो जो गोलगप्पा है या घुगनी है, घुगनी है हाँ, आने के टाइम में नहीं था लेकिन अभी बैठ जाएगा तो वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत खाना है कुछ। अब देखो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। नहीं नहीं गोलगप्पा नहीं है, बैड लक। इस रोड पे बहुत ही तेज़ गाड़ी चलता है, मतलब बाइक ऑटो सभी तेज़। और देखो एक बिल्ली जा रहा है, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। सामने का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए डॉगी बाबू धीरे धीरे जा रहा है एकदम आराम से। अभी कुछ देर पहले ही घर लौटे, बमदत्त धाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर के अंदर ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, शायद उससे भी थोड़ा बहुत कम हो। हवा अभी और भी मीठा लग रहा है और आसमान में थोड़ा बहुत बादल भी है लेकिन बारिश होने का कोई चांसेस दिख नहीं रहा है, हो भी सकता है ऐसे तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते,
अभी नीचे सुभ्रा चाय बना रही है, मुझे थोड़ा बहुत चाय पीना है। तो ये मीठा हवा का मज़ा लेते लेते ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आशा करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर वो भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और क्या कहूँ, चलते हैं आज के लिए टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।